और अब वक्त है देश की खबरों का। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से एक बार फिर से इंकार कर दिया है। इधर अशोक गहलोत ने कर ली है सीएम पद छोड़ने की तैयारी। वहीं पंजाब में आप और बीजेपी में छिड़ा है नया घमासान। मुस्लिम धर्मगुरु से मिले मोहन भागवत, देश के लिए अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें कौन सी आप देखिए भारतवर्ष टॉप में। राहुल गांधी ने आज साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने रुख पर कायम हूं। साथ ही राहुल ने नसीहत देते हुए कहा कि जो भी पार्टी अध्यक्ष बनेगा वो विजन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज TV9 भारतवर्ष से बातचीत में साफ कहा कि वो सूबे का सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। गहलोत बोले, सचिन पायलट को मेरे बाद सीएम बनाने का फैसला पार्टी और विधायक करेंगे। चंडीगढ़ में आज दो दो विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जोरदार हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी विधायक भी सड़कों पर उतरे और राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र को मंजूरी नहीं देने के फैसले के खिलाफ मार्च निकाला। हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के टिकट के लिए खूब मारामारी हुई। टिकट खरीदने पहुंची भारी भीड़ की वजह से जिमखाना ग्राउंड में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई जबकि चार लोग जख्मी हो गए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद में मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी भी मौजूद थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और चीफ इमाम इलियासी के बीच करीब एक घंटे तक मीटिंग हुई। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 10 दिन तक चली सुनवाई और दोनों पक्षों की दलील के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही है या नहीं। मशहूर कॉमेडी आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया, जहां उनके परिवार के साथ फिल्म, कला और राजनीति जगत की कई नामचीन हस्तियों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। TV9 ग्रुप के MD वरुण दास के साथ बातचीत में अर्णब ने कई बड़े खुलासे किए। ये पूरा इंटरव्यू दुनिया के पहले वीडियो न्यूज मैगजीन वाले OTT प्लेटफॉर्म News9 Plus पर देखा जा सकता है। TV9 ग्रुप ने News9 Plus के नाम से दुनिया का पहला वीडियो न्यूज मैगजीन वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और पूरी गहराई और विश्लेषण के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखी जा सकती हैं। वीडियो मैगजीन News9 Plus डाउनलोड नाउ।